अस्सलाम वालेकुम, मुझे उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज यार व्लॉग बनना तो था, हमने इंटरनेट्स जाना था, बट मसला ये हो गया कि हम वहाँ पे गए तो इंटरनेट्स बंद था। हालांकि हमने ऑनलाइन पेमेंट भी कर दी थी, तो हमें लग रहा था कि इंटरनेट्स जो है वो ओपन होंगे क्योंकि पेमेंट प्रोसेस हो गई है। तो हम लोग खैर गए वहाँ पे तो इंटरनेट्स बंद थे। तो हम फिर सैडली क्रिकेट जब आपके जहन में बनी हो कि आपने खेल ली है क्रिकेट और आप ना खेल सको तो बड़ा सैड मोमेंट होता है, लेकिन ये कि कुछ ना कुछ तो करना है। तो खैर हम दोबारा इंशाल्लाह सुबह जाएंगे, तो मैंने कहा चलो यार अपने बैट्स की व्लॉगिंग कर लेते हैं, आप लोगों को बैट्स दिखाते हैं हाउ इट लुक लाइक्स और कितने जो है मैंने प्राइस पे की इन बैट्स की और इनका बैलेंस क्या है, ग्रेन्स कितने हैं। वेरी नाइस बैट, आई डोंट माइंड टू स्पेंड मोर मनी ऑन माई बैट्स बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू गोना फील द बैट इन योर हैंड। और मेरी ऐसी साइकोलॉजी बनी है कि अगर बैट अच्छा नहीं है और उसकी विलो अच्छी नहीं है, उसका साउंड और पिंग अच्छा नहीं है, तो मतलब आप वो आप फील नहीं कर सकते, कनेक्टेड नहीं कर सकते बॉल के साथ, और आप जो है ना अनकंफर्टेबल फील करते हो कि यार ये शॉट पता नहीं जाएगा ही नहीं। तो इसलिए मैंने हमेशा डिसाइड किया, ये बैट मैंने 2 साल पहले लिया था, ऑलमोस्ट 2 ईयर्स अगो, और ये उस टाइम पे मोस्ट एक्सपेंसिव बैट था स्टडी स्पोर्ट के पास। और इसको हमने मतलब ये ऐसे नहीं हुआ कि मैं डिसाइड किया था बाय करने का, हम लोग गए तो मेरा फ्रेंड था, उसने बैट लिया और उसने देखा कि यार हाँ इसके साउंड जो है ना बड़ा अच्छा है। तो मैंने 2-3 शॉट्स वहाँ खेली, शॉट कहने लगा था, शॉट्स खेली तो मुझे बड़ा मज़ा आया बैट का साउंड जो बड़ा ज़बरदस्त था। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने उससे प्राइस नेगोशिएशन की तो उसने $50-60 जो है मुझे छोड़ दिए। तो ये आप देख सकते हैं इसके ग्रेन्स जो हैं बड़े ज़बरदस्त हैं और साइड से भी आप देख सकते हैं फ्रॉम लोड जो है इसका बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बना हुआ है और इसकी शेप और इसका वेट है 2.11, लेकिन ये लगता नहीं है 2.11 का, मुझे तो नहीं लगता और किसी को लगता या नहीं लगता, लेकिन ये है कि इससे अगर जब शॉट जाती है ना प्रॉपर मिडल हो तो मुझे पता होता है कि यार ये बाहर जाएगी। तो बड़ा मज़ा आता है इस बैट के साथ। तो एक ये मेरा बैट है, तो दूसरा बैट मेरा ये है SS का, ये उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव है और इस बैट के साथ बड़ा मज़ा आया खेलने का। इसमें ये होता है कि मैं ज़रा अगर ओपन या वन टाउन जाऊँ तो मैं ये बैट यूज़ करता हूँ क्योंकि इसमें बस मुझे टाइमिंग करनी है, इसमें मुझे पावर नहीं यूज़ करनी। तो 5 या 6 छक्के मैंने कवर पे मारे हुए हैं इसके साथ, बड़े खूबसूरत जस्ट टाइमिंग की है, फ्रंट फुट निकाला और ये बैंड वेट आगे ट्रांसफर सिर्फ उठा दी गए तो कवर से एक्स्ट्रा कवर से 6 गए हैं इसके साथ। बड़ा अच्छा बैट है, ये जो बैट है ना मेरा दिल करता है कि ये हमेशा मेरे साथ रहे, कभी भी टूटे ना, बहुत प्यारा बैट है, साफ सुथरा क्लीन जैसे आप देख सकते हैं। इसके भी 9 या 10 ग्रेन्स हैं और बैट्स की मैं सर्विस करवाता रहता हूँ ताकि क्लीन रहे, साफ रहे बैट। बैट जब थोड़ा सा गंदा हो जाता है ना तो मज़ा नहीं आता, तो क्लीन अच्छा लगता है। तो बाकी ये है कि इंशाल्लाह कल हम जाएंगे तो आपको वीडियो दिखाएंगे दोबारा उसकी, इंटरनेट्स की कुछ जो है ओवर द टाइम लर्न की हैं तो आपके साथ शेयर करेंगे। ओके, अस्सलाम वालेकुम।